अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जुम्मा को मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था मॉर्निंग में, तो यहाँ पे मैं ऑमलेट बना रही हूँ सलमान के लिए, एकदम प्लेन ऑमलेट। और अपने टाइटल में देखे रहे, हम लोग स्मॉल ट्रिप के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग है ना मैसूर जाने वाले हैं, मतलब मैसूर यहाँ से बहुत नज़दीक है, मतलब जस्ट 120 किलोमीटर सी है। और एक दिन पहले ना मैंने फ़िश ऑर्डर किया था, बासा फ़िश, क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट में ट्राई किया था, बहुत अच्छा था, लेकिन जो घर पे मंगाया था ना बिल्कुल टेस्टी नहीं था, मीठे पानी का था। और जो दूसरी मच्छी दिख रही है ना आपको, किल फिश है वो, मतलब जैन को मैंने पहले भी खिलाई हूँ और मैं उसको कोई नई फ़िश ट्राई नहीं करती हूँ, और स्पेशली हमको ट्रैवलिंग करना था। वैसे भी मैंने पूरा फ़िश है ना हाउसकीपिंग को ही दे दिया, मीठे पानी का था शायद, वो अच्छा नहीं था, तो बासा फिश था वो। और यहाँ पे जुम्मा था, और क्या हुआ ना, मैं अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई जैन के एक्सप्रेशन। जैन ने मेरे साथ जुम्मा की नमाज़ पढ़ा माशाल्लाह, और अभी देखो उसका जानमाज़ फोल्ड करके रख रहा है अच्छे से माशाल्लाह। और मैंने चिकन पुलाव बनाई थी जुम्मा के दिन, और रमज़ान होने के बाद ना इतना ज़्यादा क्रेविंग सिर्फ चिकन पुलाव का, मटन पुलाव यही सब बना रही हूँ मैं, अंडा पुलाव। पूरा महीना ज़्यादा चावल वगैरह नहीं खाया था ना, इस उसके बाद हम लोग सब साथ में ही खाना खाने बैठे, मतलब जैन को भी मैंने हमारे साथ ही ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हुआ था। और यहाँ पे ना कल जाना था करके, मतलब ऐसा आपके साथ भी होता रहेगा, जो हमको ट्रैवलिंग के लिए कपड़े लेने के रहते हैं ना वो अपने धुल्ले में रहते हैं हमेशा, ऐसे ही होता है। एक्चुअली सलमान की ना जीन्स धोने में थी जो उनको लेके जाने की थी, तो फिर जो पहले के कपड़े थे वो मैंने निकाल के अच्छे से वॉश करके ले ली, और फिर जो मशीन को लगाए ले वो कपड़े मैं सूखा रही हूँ। और हुआ है अभी नेक्स्ट डे सैटरडे, मतलब हम लोग निकलने वाले थे, और अभी यहाँ पे जैन के जो दो बॉटल है मैं बॉईल करके ले रही हूँ, फिर उसको एक लीटर पानी मैंने अलग से पीने का ले लिया है। फिर यहाँ पे पैकिंग, ये ऊपर का सब सामान मेरा और जैन का है, और सलमान की बस ये ही एक छोटी सी बैग है, और सोप वगैरह सब मैं यहाँ से मॉर्निंग में उठ के ही ले रही थी। और ये फाइनल पैकिंग है वो हो गई है, जैन के लिए मैंने सब बॉटल वॉश करने का पुराना ब्रश वगैरह ले लिया है, क्योंकि उसका हैंडल टूटा है तो शॉर्ट है थोड़ा, इसके लिए वो बराबर डब्बे में बैठ जाएगा। फिर उसके बाद मैं नाश्ता करने बैठी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि हमने सोचे थे हम रास्ते में ही नाश्ता करके ले लेंगे, मैंने मेड को भी जल्दी बुलाई थी। और ये बिस्किट मैंने खाया ना पार्ले जी का, कुछ अजीब सा लगा, देखी तो एक्सपायर हुआ था फेब में, बोले अल्लाह करे मेरे को हज़म हो जाए कुछ ना हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर मैंने ये जैन के लिए केलॉक्स के चोकोस मंगाई थी, वो मैं खा रही थी। फिर हम लोग निकल गए, और बेचारा मेरा जैन, मैंने हम लोग ने उसको नींद में ही लेके गए थे, उसको इतना उल्टी का प्रॉब्लम हुआ ना, उसको है दवा पिलाती हूँ मैं, लेकिन क्या मालूम इस बार बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसको बेचारा सोया हुआ ही था। फिर हम लोग नाश्ते के लिए उतरे, और यहाँ पे इतना अच्छा साउथ इंडियन नाश्ता था, देखो आप इडली का साइज़, इतनी बड़ी इडली माशाल्लाह, और ये वड़ा भी बहुत टेस्टी था, और सांभर नहीं था, बटाटे की भाजी और चटनी थी, और इतनी टेस्टी थी, पूरी भाजी के लिए भी वही कॉमन चटनी और भाजी थी, एकदम टेस्टी थी। मैंने दो प्लेट खाई इडली, और मैं जूम कर रही थी कौन सा होटल है, लेकिन तब तक सलमान ने गाड़ी आगे ले ली है। और यहाँ पे इतने कोकोनट के ट्री थे ना, बहुत एंजॉय किया ड्राइव, बहुत अच्छा लगा। दे नाच, मैं मम्मा वीडियो बनाते, गॉगल पहन के नाच। इधर देख जैन, इधर देख के नाच, इधर देख के नाच। तो जैन को ना माशाल्लाह मैंने नाश्ता करने के बाद दवाई पिलाई थी, और वो नॉर्मल हो गया था, और ड्राइव भी एंजॉय कर रहा था, डांस भी कर रहा था। लेकिन देखो कितना अच्छा मतलब व्यू है, तो मैंने बहुत सारे सीन कैप्चर किए हो। और हम लोग है ना मतलब सैटरडे मॉर्निंग निकले थे, हम लोग सैटरडे संडे और मंडे रिटर्न आने वाले थे, क्योंकि जो जो प्लेस हमने डिसाइड किए थे घूमने के लिए, मतलब वो दो दिन में कवर हो सकते थे, और सलमान को छुट्टी भी थी, मतलब फर्स्ट मई को लेबर डे की छुट्टी थी ना, इसके लिए फिर हम लोग ने सैटरडे संडे मंडे ऐसा प्लान किया था, बुकिंग वगैरह पहले से ही किया था। और हम लोग ने जो प्लेस डिसाइड किए थे वो दो दिन में घूम के हो सकते थे, मतलब मैसूर पैलेस वगैरह, फिश एक्वेरियम, मतलब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊँगी और क्या हुआ वो भी बताऊँगी। मतलब जो प्लान किया था वैसा हुआ नहीं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और अभी हम लोग मैसूर सिटी पहुँच गए हैं,
और ज़ेन को ना थोड़े टाइम के बाद उल्टी हो ही गई, मतलब जो नाश्ता किया था थोड़ा उसने उल्टी किया, मुझे इतना बुरा लगा ना, मतलब घूमने जा रहे लेकिन बच्चे के हाल होते ना तो बहुत बुरा लगता है। तो ज़ेन बेचारा सोया ही था और हम लोग, मतलब हम लोग को थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि ट्रैफिक था। तो देखो जैन सोया है और हम लोग पहुंच गए, और ये होटल भी बहुत अच्छा था लेकिन उनको इनसाइड पार्किंग नहीं थी, मतलब रोड पे ही गाड़ी पार्क करनी पड़ी, लेकिन सेफ थी। और ये जेड गार्डन होटल था, बहुत अच्छा होटल था। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ हम लोग कहाँ पे गए थे वो सारा शेयर करूँगी, उसके बाद होटल का रूम वगैरह। वीडियो तो मैं आने के साथ सेकेंड डे ही डालने का मैंने प्लान किया था, लेकिन पता नहीं मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा दर्द और स्वेलिंग भी है, तो हम लोग थोड़ा सा ब्लड टेस्ट वगैरह कल कराने वाले हैं। तो मैंने सोचा, एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया कि मैम आपका वीडियो क्यों नहीं आया, तो मैंने सोचा चलो अभी मैं वीडियो बनाने लगी हूँ तो मैं क्यों स्टॉप करूँ ना, हेल्थ इशू की वजह से मैं वॉइस ओवर तो दे ही सकती हूँ, एडिटिंग तो हो ही गई थी। हाँ बस अल्लाह करे मेरे पैरों का दर्द जल्द से जल्द ठीक हो जाए और मैं आपके साथ अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करूँ। मैं प्लान भी करती हूँ कि मैं ये बनाऊँगी वो बनाऊँगी, लेकिन कभी कभी अपन प्लान करते हो वैसी चीज़ें होती नहीं अपने हेल्थ की वजह से। मुझे अभी तक ऐसा लग रहा था नॉर्मल पेन है, नॉर्मल पेन है, लेकिन पता नहीं दर्द कम ही नहीं हो रहा है। मैंने एक वीडियो में शेयर भी की थी कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, ये रमज़ान के लास्ट आश्रय से ऐसे मेरे पैर में दर्द हो रहा है और अभी तक कम ही नहीं हुआ। तो चलो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, मैं थोड़ा थोड़ा मैसूर की चीज़ें शेयर करूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।